मेरा नाम हर्षवर्धन डागा है, आई एम फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। मैंने जेई एडवांस 2022 में AIR 160 सिक्योर करी और जेई मेंस एग्जामिनेशन में 466 रैंक सिक्योर करी। मेरे फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे फादर हैं, मेरी मदर और मेरा छोटा भाई है। मेरे ग्रैंडफादर एक बिजनेसमैन है, मेरे फादर भी एक बिजनेसमैन है। मेरा चाइल्डहुड काफ़ी अच्छा था और मैं चाइल्डहुड में शुरुआत से ही बहुत नोटोरियस सा ही था। मैं स्टडीज़ को इनिशियली इतना सीरियसली लेता नहीं था, लाइटली लेता था, ऑल दो मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तब मेरा ऐसा शेड्यूल रहता था कि मेजरली क्लासेस जो थी वो इवनिंग में होती थी, तो क्लासेस कंप्लीशन के बाद मेरा एक ही टारगेट रहता था कि जो भी आज के दिन में पढ़ाया उसको मैं थोड़ा बहुत रिवाइज़ करूँ, और जो सुबह का टाइम था वो मैं मेजरली होमवर्क में डेडिकेट करता था और कोशिश करता था कि मेजर पार्ट ऑफ होमवर्क कंप्लीट हो जाए। मेरा 100% देता था, रिज़ल्ट क्या है वो मैटर नहीं करता। और जब मेरा कोर्स एंड हो गया उसके बाद मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैंने टॉपिक्स को सॉर्ट कर दिया था वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो मेरी शीट है उसकी एक्सरसाइज को डिवाइड कर दिया कि कौन सी एक्सरसाइज किस टॉपिक के लिए करनी है डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। और मैंने ऐसे प्लान किया, जो ये मेथड मेरे टीचर ने बताया था और ये बहुत हेल्पफुल था। इससे आई वॉज एबल टू रिवाइज द फुल सिलेबस 2 to 3 times बिफोर द एग्ज़ाम्स। हाँ, मैं मेरे एजुकेटर पैनल को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, वो मेरे पूरी थ्रू आउट द जर्नी में मेरे साथ थे, मुझे मोटिवेट किया। जैसे कि सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर, अमरनाथ आनंद सर, अमित गुप्ता सर, विशाल जोशी सर, पीयूष महेश्वरी सर और अखिलेश कांठेर सर। मैं कुछ एजुकेटर का और नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मेरी स्पेशली हेल्प करी थी थ्रू व्हाट्सएप और कॉल, जैसे कि मैं SKM सर से, अन्ना सर से, AG सर से, इन तीनों से मैं व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड था। और मैं जब भी प्रॉब्लम डिस्कस करता था तो उन्होंने मुझे बहुत बार कॉल पर भी गाइड किया है। मेरे लिए मेरे जो भी टीचर्स हैं वो मॉडर्न और ऑनलाइन द्रोणाचार्य हैं मेरे लिए, तो इनको मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो भी हूँ इनकी वजह से ही। जब मैंने JEE को परस्यू किया, मैंने मेरी प्रिपरेशन 100% ऑनलाइन करी, तो फ्रेंड्स से मेरा जो टच था वो छूट गया, और ऑनलाइन में भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बने जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और वो भी मोटिवेट करते थे। हर्ष, जैसे मैंने बताया ना, तो पढ़ाई में लाइक उसकी सिटिंग नहीं थी, वो घूमते फिरते जो भी पढ़ लिया था, उसके एग्ज़ाम्स भी होते थे, कब क्या होता था मुझे इतना ध्यान ही नहीं रहता था कभी, क्योंकि उसने कभी 8 तक कभी सीरियसली पढ़ा ही नहीं। मेरा रूटीन ऐसा रहता था कि सुबह उठते ही थोड़ी सी एक्सरसाइज रहती थी, उसके बाद मैं फोकस करता था कि मैं प्रैक्टिस अच्छे से करूँ मैथ्स की। फिर मैंने अपनी बॉडी को ऐसे सेट करने की कोशिश की कि 9 to 12 और 2:30 to 5:30 मेरा पेन चलते रहना चाहिए, और रात के टाइम में मैं केमिस्ट्री प्रेफर करता था, और बीच में जो ब्रेक मिलता था उसमें मैं प्रेफर करता था कि मैं क्रिकेट खेल लूँ या बास्केटबॉल खेल लूँ, जिससे मुझे इनर सेटिस्फैक्शन मिलता था और मैं एकदम रिफ़्रेश हो जाता था। स्ट्रगल्स की बात करें तो स्ट्रगल मेरे ये था कि 9 to 12 और 2:30 to 5:30 अपनी बॉडी को सेट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं दोनों स्लॉट में बहुत लेथार्जिक फील करता था और बहुत स्लीपी फील करता था, तो मैं मेरी एफिशिएंसी नहीं दे पा रहा था, इस कारण से मुझे एग्ज़ाम से भी थोड़ा सा डर लग रहा था। और एक मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था, लाइक जहाँ मेरा एग्ज़ाम होने वाला था वहाँ AC की फैसिलिटी नहीं थी, तो मैंने अपने आप को अडेप्ट किया कि मैं बिना एयर कंडीशन रूम में कैसे अपनी फुल एफिशिएंसी से अपने पूरे एफर्ट्स दे सकूं। तो इस तरह से मैंने अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया। इसके बाद एडवांस की अगर अपन बात करें, तो एडवांस का जो शेड्यूल रहता है जो पेपर का, वो 9 to 12 और 2:30 to 5:30 है, उसमें स्पेशली मेरी मदर जो थी वो मेरे पास में बैठी रहती थी, ताकि मैं इस टाइम में उठूँ नहीं, और जो पेन चलते रहना चाहिए जो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट है वो मुझे मेरी मदर प्रोवाइड करती थी। और एग्ज़ाम के टाइम से 7 to 8 days पहले मेरा पूरा डाइट प्लान उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा था कि कोई बीमार ना पड़ूँ एंड एकदम 100% फिट रहूँ और मैं एग्ज़ाम में जाके अपना 100% दे सकूँ। एक्चुअली सारा रिजल्ट जो भी था, इसकी मार्कशीट जो भी नंबर्स का जो भी था, इसके पापा ही देखते थे, बट कोई अर्जेंट काम थे, इसके पापा यहाँ नहीं थे, उस वक्त पेरिस थे, तो बस हमने बोली था कि अब जो भी रिजल्ट आए देख के हमें बता देना, तो हम बस वही फ़ोन पे ही वेट कर रहे थे। फिर हर्ष ने बोला मम्मी पापा का फ़ोन है, तो उन्होंने जैसे बोला कि सबसे पहले ये बोला कि क्या सोचा क्या रैंक आएगी,
उस वक्त तो मैं इतनी घबराई थी, कुछ भी नहीं, मैंने कहा आप जो भी है बस बता दो कि क्या रैंक है। फिर बोला 160, तो मेरे को एक बार समझ नहीं आया, मैंने वापस पूछा आप क्या बोल रहे हो, मुझे रैंक बताओ, तो बोले 160। तो लाइक वो सीन मतलब बहुत सरप्राइजिंग भी था, बिलीव भी नहीं हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और सर मेरा जो रिएक्शन था वो ऑब्वियसली सभी पेरेंट्स का जैसा रहता है वैसा ही था, मेरा कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत बहुत खुशी हुई हमको सुन के, और क्योंकि हमारे पोते ने ख्वाब पूरा कर दिया पढ़ाई का, बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। सपोर्ट तो हम मोटिवेट करते थे भाई पढ़ो, लेकिन इतना भी था कि भाई ज़्यादा जरूर से ज़्यादा जोर मत दो पढ़ाई पे, लेकिन ये शुरू से होशियार था तो इसने अच्छा कर लिया। बीच में जब प्रिपरेशन का जब फेस डाउन था तब ऐसा लगता था कि क्या पता एक बार में होगा या नहीं होगा, बट मैं उस चीज़ को टैकल करके आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूँ। और इतनी अच्छी रैंक आएगी इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हाँ नंबर देखकर ऐसा लग गया था कि अपन अच्छी आईआईटी में चले जाएंगे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मेरा बर्थडे था जो कि मैं अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया था, और रिज़ल्ट की जो नाइट थी वो मेरे लिए बहुत स्केरी थी। मैं सिर्फ 2-3 आवर्स ही सो पाया था और मैंने टाइम स्पेंड किया था मोबाइल गेम्स पे, क्योंकि मेरे फादर भी मेरे साथ नहीं थे। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो वो बहुत ही खुश थे, जो मेरे लोकेलिटी वाले फ्रेंड्स थे वो भी मुझे ग्रीट करने आए। बस जैसे ही हर्ष का रिज़ल्ट पड़ा सबसे पहले हम मंदिर गए, हर्ष हम दोनों दर्शन नगर कराए, फिर आके जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं उनको बताया, और जो भी था जैसे ही सबको पता पड़ा सब उसको विश करने के लिए सब जने घर पे आ गए, उसके लिए गिफ्ट्स लेके आए, कोई माला पहना रहा है और लाइक सब कुछ ना वो चल रहा है, पूरी गैदरिंग इकट्ठी, मतलब बिल्कुल एक घर पे एक फेस्टिवल जैसा माहौल हो गया था। लाइक मेरे जो ग्रैंडफादर है वो मुझे बोलते थे कि की कोनी होने हो कही जाए, ये एक मारवाड़ी लाइन है, इसमें इसका यही मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, तो लाइफ को एकदम काम रह के आप जियो।